हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हम लेंगे शुगर। आपको वाइट या ब्राउन कोई भी शुगर आप ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो, शुगर यानी चीनी। उसके बाद आपने डालना है हनी। क्वांटिटी मैंने बहुत कम बनाई क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है और फिर बच जाता है बाद में, इसीलिए आप थोड़ा ही बनाइएगा। उसके बाद आपको डालना है फिगैरो ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑलिव ऑयल आप डाल सकते हैं। और आपको ऑलिव ऑयल की लगभग 1/4 स्पून डालनी है और उसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। एंड दैट्स इट, हमारी रेमेडी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसको स्पून से चाहें तो मिक्स कर सकते हैं, बट ये अच्छे से स्पून से मिक्स नहीं होगा तो इवेंचुअली आपको हैंड ही यूज़ करने पड़ेंगे। उसके बाद आप अपने हैंड से बहुत ईजिली इसको अप्लाई कर सकते हैं। शुगर में स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं तो एक स्क्रब का काम करेगा, स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। ऑलिव ऑयल जो है मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा। और हनी की अगर बात करूँ तो हनी में ह्यूमेक्टेंट है, वो एक एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है हनी में, तो वो भी हमारी स्किन को एक रीजनरेशन और रीजुविनेशन वाला इफ़ेक्ट देगा। तो आपको इस तरीके से काफ़ी देर तक अपने हैंड्स को मसाज करते रहना है, और काफ़ी देर तक आपको करते करते आपको अपनी फिंगर्स को भी ईजिली आप करते रहिए। उसके बाद जब ये अच्छे से हो जाएगा तो ये बेसिकली जो हम मसाज करें इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी। और लगभग 4 से 5 मिनट आपको ये करना है, हफ्ते में 4 या 5 बार आप यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल होममेड है ये, और आपके हैंड्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे जो हाउस होल्ड काम करके टाइट टाइट से हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।